हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन की फेसलिफ्ट वर्जन के बारे में। जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि इंडिया मेड नेक्सॉन जो है वो टॉप मोस्ट सेलिंग कार है एसयूवी सेगमेंट की, और कुछ टाइम से इसकी जो फेसलिफ्ट वर्जन है बहुत ज़्यादा पेंडिंग चली थी। कुछ टाइम पहले इसकी लीक्स भी आई थी, हमने वीडियो बनाई थी, आपने ये वाली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगी हमने क्या क्या बताया था उस लीक वाले वर्जन में, कि क्या क्या नई चीज़ देखने के लिए मिल रही है आपको। एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या नई चीज़ आपको बताई थी हमने उस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ आपको बताई थी वो बताई थी कि इसमें आपको थोड़ी सी वाइब्रेंट अपोस्ट्री मिल रही है सीट्स की, आपको नया गियर बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ में ट्विन स्पीक आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा था देखने के लिए। बट जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि किसी कोई भी नई कार या फिर किसी भी पुरानी कार का फेसलिफ्टेड वर्जन अगर लॉन्च होने वाला रहता है, तो जैसे जैसे टाइम पास आता है उसके लॉन्च डेट का, वैसे वैसे उसकी नई नई डिटेल्स हमें पता चलती रहती है, लीक्स होती रहते हैं, नई नई डिटेल्स क्या क्या उस कार में होने वाली है। उसी लाइनअप में हमें नेक्सॉन के फेसलिफ्ट जो आने वाली है उसका भी लीक्स मिल गया है। आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें नई होने वाली है। तो टोटली इंटीरियर लीक हो गया है, आपको इंटीरियर देखने के लिए मिल रहा होगा। आप एक ओवरव्यू ले लो कि क्या क्या इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस इंटीरियर में चेंज की गई हैं पुराने नेक्सॉन से, बट आप एक अपनी तरफ से देख लो कि आप क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इसके इंटीरियर में चेंज की गई है। बाकी मैं तो हूँ आपको बताने के लिए क्या क्या रियलिटी में इसके इंटीरियर में चेंज किया गया है। तो जितनी चीज़ आइडेंटिफाई कर पाए ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें नई है। सबसे पहली चीज़ ट्विन स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये तो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, तो इसमें नया क्या है? नया बात ये है कि इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ये कूल चीज़ है। नई चीज़ जो आपको देखने के लिए मिल रही है वो है आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, जो आपको हेरियर और सफारी की डार्क एडिशन में टॉप मॉडल में देखने के लिए मिलता था। अब वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नेक्सॉन में देखने के लिए मिल जाएगा। और कुछ एक और नई चीज़ है, जैसे आपको पहले देखने के लिए मिलता होगा कि जो कंट्रोल्स हैं वो बटन्स वाले देखने के लिए मिलते हैं नेक्सॉन में, बट अब टोटली चेंज कर दिया गया मामला। अब सारी चीज़ें आपको बटन से शिफ्ट कर दी गई है, उसको अपग्रेड करके अब उसको टच सेंसर वाला बना दिया गया है, जो काफ़ी कूल देखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसा आपको टच एंड फील देखने के लिए मिलेगा। टच एंड फील क्या मतलब, एक ओवरव्यू आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो काफ़ी एक लग्जरियस साइड में होने वाला है, तो मेरे को तो बहुत ही तगड़ा लग रहा है। एक और चीज़ आपको जो अपग्रेड मिल रहा है, पहले आपको बहुत सारी कंप्लेंट थी कि छोटी स्क्रीन आपको इंफोटेनमेंट मिलती है, उसको भी अपग्रेड कर दिया गया है। अब आपको हैरियर और सफारी वाली जो 10 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, अब वो आपको नेक्सॉन में देखने के लिए मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी डिमांड थी, अब ये मिल गई है, तो सेल्स अब हो सकता है बढ़ सकती हैं इसकी। और इसमें आपको यही कुछ चीज़ें अभी तक तो बताई जा रही कि मिल रही है। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ आपकी डिमांड में थी कि नेक्सॉन में ये होनी चाहिए, तो कमेंट में बताओ, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं तो आप मिस आउट ना करो, सबसे पहले आपके पास पहुंची वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।